बड़ी बात है, सरकार को बोलिए बढ़िया जगह देने के लिए, रहने के लिए गरीब के लिए। गरीब का वो भगवान है, वो हम लोग को भूत दिया। भगवान कभी चाहेगा कि उसके बच्चे इस हालत में रहे? भगवान कौन है? पहले क्या बोला? मोदी जी बोला। ठीक है, पहले मुंह से मोदी जी निकल गया, फिर बाद में बात चेंज कर रहा है। डर रहा है क्या किसी से? नहीं। चल ये ट्रेन जो है वो असली इंडिया दिखाती है। क्यों? क्योंकि आप मेरे पीछे देखिए, ये पूरे विजुअल्स देखिए, आप पूरे दृश्य देखिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पटरी के बीच में घर बने हुए हैं या घरों के बीच में पटरी बनी है, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो आई वॉन्ट टू से दिस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि प्लीज़ लुक इन टू दिस। अंग्रेजी में इसलिए बोल दिया ताकि अंग्रेजी में थोड़ा डेवलप्ड लगे, बिल्कुल ही बेकार ना लगे, बकवास ना लगे। यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि सोनार बांग्ला की जो परिकल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते हैं, जो ममता बनर्जी कहती हैं कि हर जगह विकास, हर जगह सबको सब कुछ मिल गया, और जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनके समर्थक भी इस तरह की बातें करते हैं कि सब कुछ उनके राज में तो सब कुछ A1 हुआ। तो ऐसे में आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बड़े पुराने लग रहे हैं, ये बताइए, यहाँ से तो पटरी गुजर के जा रही है, पटरी के बीच से ट्रेन जा रही है और ट्रेन के बाजू में आपका यहाँ घर है, यहाँ घर है, छोटे छोटे बालक घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, डर नहीं लगता कि यहाँ रहने में कितना खतरा है? वो तो बात सही है, बात सही है। यहाँ पर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया आप पर? नहीं, तो बच्चा सब हैबिट बना हुआ है। हैबिट बना हुआ है वो तो ठीक है, अब हैबिट बनने को तो पटरी के बीच में घर बना लीजिएगा, वो भी हैबिट हो जाएगी कि ट्रेन आए तो हटा लीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई नेता मंत्री आपको घर देने की बात नहीं किया? इस तरीके से आप रहते हैं, बड़ा दुर्घटना हो सकती कभी? वो तो कभी बात नहीं किया, अभी तक तो बहुत पुराना है यहाँ पर। अच्छा, मैं इसके पीछे भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि ममता बनर्जी ने यहाँ पर एक कब्रिस्तान जो था उसको इतना बढ़िया बना दिया, शमशान घाट था उसको इतना बढ़िया बना दिया कि बात नहीं करी जा सकती। शमशान घाट को इतना बढ़िया बना दिया और जहाँ जिंदा लोग रहते हैं वहाँ तो इस तरीके की तस्वीरें? हाँ, वो तो बात सही है, शमशान घाट तो बढ़िया बना है। अरे शमशान घाट तो देखिए, जो इंसान जीवन त्याग गया उसको बेहतरीन बना दिया, उसमें आप AC लगवा दीजिए, मैं कह रहा हूँ। जहाँ जिंदा इंसान रह रहा है तो उसके लिए क्या, वो तो आप तो इतने खतरे में रह रहे हैं, यहाँ से जाइएगा शमशान घाट तो वहाँ बेहतरी का क्या मतलब? नेता लोग से व्यवस्था करना चाहिए, गरीब आदमी को घर देना चाहिए। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ खेलते रहते हैं, नहीं भागी मत, छोटे छोटे बच्चे आप खेलते रहते हैं, आपको डर नहीं लगता है यहाँ ट्रेन आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल जाती हैं यहाँ से? डर तो लगता है लेकिन हम ट्रेन आता है तो साइड हो जाते हैं। हाँ। ट्रेन आता है तो साइड हो जाते हैं, कब से इस तरीके के प्रैक्टिस में आ गया अभी? जी जी बताइए। मालूम चलता है जैसे यहाँ इलाम बसता है, इलाम बजने का हम लोग का मालूम चल जाता है, जैसे यहाँ बड़ी आपका जो इलाम बसता है, इलाम बजने से बच्चा लोग को। ये कब से हो रहा है ऐसा कि अलार्म बजता है, ट्रेन निकल जाती है आप लोग? जैसे बच्चा लोग को पता चल जाता है, बहुत दिन से हो रहा है, जैसे इलाम बजने से हम लोग बच्चे लोग सब साइड हो जाते हैं और अपना अपना बच्चा को जिसका। अरे आप तो खुद ही बच्चा हैं। हम भी बच्चा है, जिसका बच्चा है, छोटा बच्चा जिसका 5 साल हुआ या 10 साल हुआ उसका बच्चा को साइड किया जाता है। अरे पता क्या होता है हमारे शहरों में क्या होता है, हम दिल्ली से हैं, दिल्ली में क्या होता है, इंसान बैठे बैठे झपकी मार जाता है, सो जाता है, पावर नैप बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए सो गया। अब आप बताइए, आप यहीं खेल रहे हैं, यहीं कूद रहे हैं, यहीं बैठे हैं, अलार्म नहीं सुनाई दिया, मान लो कानों में ईयरफोन लगाए, बहुत बातें होती हैं आजकल, हर बच्चा बालक कानों में ईयरफोन लगाए रहता है, अलार्म नहीं सुनाई दिया, फिर उससे कोई, जैसे बच्चा लोग जैसे हेडफोन लगा के होते उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ पर हटा दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर बस्ती बाड़ी हो गया, इन सबका आदत हो गया है कि कब गाड़ी आने वाला है, कब गाड़ी जाने वाला है। चलो ठीक है, आदत ही मान लिया इसको, आदत। ये बिटिया कुछ कह रही, क्या कह रही थी बिटिया आप? नहीं बोलो बोलो, देखो आप कैमरा शर्मा रही, ऑन कैमरा शर्मा रही, ठीक है, चलो इधर आओ, आप इधर आइए, आप भी कुछ बोल रहे थे, इधर आइए बताइए। हैबिट हो जाता है, आदत, जहाँ इंसान को रहने मिलता है, जैसे रहने मिलता है, रहने का कोई तरीका थोड़ी ना है, ये तो दुर्घटना भी हो सकती है। तरीका दो आप, वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकारें देंगी, मैं कहाँ से दूंगा? तो वही बात है, सरकार को बोलिए बढ़िया जगह देने के लिए, रहने के लिए, गरीब के लिए। ये ऐसा है, ममता बनर्जी कहती हैं कि सबको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़, किसी को नहीं पहचानते हैं कौन है कौन नहीं है, हम लोग किसी को नहीं पहचानते हैं, हम गरीब हैं, हम अपना गरीबी जानते हैं, उसको आप अगर हटा दीजिए। ठीक है, मोदी जी ममता जी कौन पसंद है? हम किसी को नहीं जानते हैं, जो काम करे हमारा हम उसके लिए। बिल्कुल ही गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देखिए दूर दूर से देखिए क्या करना है, बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया, आप राजनीति नहीं, उससे आपको दिलचस्पी नहीं है। देखिए आप दूर दूर से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बता कुछ नहीं रहे, बताइए। तो देखिए ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि
पटरी है ये बहुत कम देखने को मिलती है, हमें बहुत कम देखने को मिली। हम पूरा कोलकाता से रह के आ रहे हैं, कोलकाता के अपने दर्शकों को हमने सारी तस्वीरें दिखाई। कोलकाता बड़ा ब्राइट सा लगता है, बड़ा डेवलप्ड सा लगता है, अच्छा अच्छा है, ठीक है सब कुछ। बाकी हम और जगह गए तो वहाँ पर थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएँ होती हैं, हिंसा की घटनाएँ होती हैं, लेकिन इस तरीके की तस्वीर ये बड़ा अजीब सा है। तो ये बताइए, ऐसे में आपके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, तो इस तरीके से आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर ये बता दीजिए। भैया हम तो यहाँ से नहीं, हम तो बिहार से रहने वाले। नहीं बिहार वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर कब से रहे हैं? यहाँ से हम कब से नहीं, हम तो मेरे दीदी रहते हैं क्वार्टर में पास में, हम तो होली में आए हैं फिर हम चले जाएँगे। मेरा नाम राजीव कुमार राय हुआ, हम बिहार से बरौनी से रहने वाले। ठीक है, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूँ, कई लोग ये बात करते हैं कि हम कोलकाता में, हम तो बिहार से हैं, हम तो उत्तर प्रदेश से, पूरा भारत आपका घर है, आप कहीं भी जाएंगे बाहरी कहीं नहीं। जान रहे पूरी कोलकाता मेरे है, मतलब पूरे भारत अपने अंदर में है, मतलब हम रहने वाले बिहार से हैं, बरौनी से। मेरे दीदी जी रहती पास में रहते हैं, मेरा जीजा का दुकान है बराबर पास, कभी कभी मैं इधर। क्या इधर किस लिए है? इधर आए मेरे वो दीदी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया है। ये छोटे मोटे चलो कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बोलेंगी? बोलेंगी? अब देखिए बात अपने ऊपर रखिए, बात रखेंगी तो शायद कल को इधर बढ़िया कुछ हो जाए, व्यवस्था हो जाए। ये बताइए यहाँ पर रहती हैं आप, डर लगता है? हाँ लगता है। मान लीजिए कभी सायरन नहीं सुनाई दिया, सायरन व्यवस्था कर रखी है, बताइए क्या करेंगे यहाँ पे सब दिन रहते आगे। सायरन कोई लीगल चीज़ नहीं है ना, सायरन कोई लीगल थोड़ी ना है। गवर्नमेंट ने कब कहा कि सायरन बजा देंगे, ट्रेन के बीच में आप घर बना लीजिए पटरी के बीच में और सायरन बना लेगा भागिए। और ये तो सरकारी है, सरकारी इस तरीके से अगर काम चल रहा है तो गलत है ना। दीदी दिया सरकारी बचने के लिए तो इसीलिए बस गया यहाँ पर, क्या करेगा दीदी, बसने के लिए कोई बेहतर जगह भी तो दे सकती थी। खैर जगह देने के लिए चाहता तो रेलवे लाइन थोड़े बैठ सकते थे ना, जहाँ मिला इधर वहीं बस गया बेचारे, समझे? उससे बड़ा कोई बड़ा नहीं, दीदी अच्छे हैं तो दीदी अच्छे हैं, अब वोट देना है दीदी को, वोट देना है। चलिए आगे और चल के आगे और देखने की तस्वीरें देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या कुछ है। देखिए बड़ा ऊट खड़प खड़प सा रास्ता है, बड़ा गंदगी का भी माहौल है, और इस तरीके की जब डेवलप्ड की तस्वीरें, डेवलप्ड इंडिया बताया जाता है कि डेवलप्ड इंडिया, बहुत डेवलप्ड इंडिया, तो उसमें इस तरीके की चीज़ें कहाँ छिप जाती हैं? जीडीपी के आंकड़े बताए जाते हैं, बड़े बड़े एसी कमरों में बैठ के वहाँ पे फाइलें तैयार की जाती हैं और वहाँ से दिखाया जाता है कि जीडीपी अब छलांग मार गया, जीडीपी अब डाउन हो गया, जीडीपी अब छलांग मार गया, जीडीपी अब डाउन हो गया। लेकिन असली जीडीपी जो है वो तो ये दिखाता है कि ये बच्ची जो है पटरी के किनारे बसे घर के पास खेल रही, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जीडीपी के आंकड़े बताने वाली सरकार और सरकार की फाइलों में दफन वो तस्वीरें, वो स्टैटिस्टिक्स दिखाती हैं कि जीडीपी बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, अब जीडीपी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन ये नहीं बताती कि दरअसल यहाँ पर माहौल क्या है। ये कोलकाता के अंदर अभी अभी हमने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर एक भूतनाथ शमशान घाट करके है, वहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर दीदी ने बहुत विकास कराया, बहुत काम कराया। लेकिन जब हम यहाँ बीच में आते हैं तब दिखता है कि जो लोग मर चुके हैं उनके शमशान घाट के लिए इतना काम, इतनी सारी चीज़ें कराई गई, इतनी वो कराया गया, डेवलप कराया गया, लेकिन यहाँ पर क्या तस्वीर है? यहाँ की तस्वीर आप देखने की कोशिश करिए। आपसे पूछता हूँ ये बताइए, यहाँ आप इस तरीके से रहते हैं, यहाँ ट्रेन निकलती रहती, कभी खतरा डर नहीं लगता? दीदी ने या दादा ने किसी ने कभी घर देने की बात करी कि हाँ आपको अच्छी जगह भिजवा देते हैं, अच्छी झोपड़ी दिलवा देते हैं? कभी कोई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है पूरे भारत में, उसके तहत आपको कभी कुछ कहा गया कि हाँ घर मिल सकता है, कुछ योजना मिल सकती है, लाभ मिल सकता है? हमारे तो भाड़ी घर आते क्या भाड़ी घर आते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा भाषा का विरोध रहेगा, लेकिन ये तस्वीरें ऑन ग्राउंड बिल्कुल रियलिटी, आपको कोलकाता की चमक की तस्वीरें दिखाई जाएंगी, आपको कोलकाता से निकलते बड़े बड़े विज्ञापन दिखाए जाएंगे, आपको कोलकाता में ये दिखाया जाएगा कि क्या कुछ हुआ, सड़कें दिखाई जाएंगी बड़े बड़े विज्ञापनों में, सड़कें अखबारों के फ्रंट पेज पे सड़कें छपती दिखाई जाएंगी। लेकिन कोलकाता की असल तस्वीर ये देखिए, भैया यहाँ कुछ बेच रहे हैं, ये बताइए पटरी के बीच में बेच रहे हैं, रोड के बीच में तो देखा था कि कोई सामान बेच रहा है, कुछ खाने का कुछ बेच रहा है, बेच क्या रहे हैं? पहले पपीता बेच रहे हैं सर, पटरी के बीच में पपीता बेच रहे, बड़ा अनोखा दृश्य हमने देखा। जा रहे हैं बेचे बेचे घूम जा रहे हैं सर। कब से बेच रहे हैं? बेच रहे हैं आज 10 साल से, पटरी के बीच में पपीता, ये बड़ा अजीबोगरीब चीज है, पटरी के बीच में पपीता बेचा जा रहा है, पब्लिक पटरी के बीच में बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, पटरी के बीच में बच्चा खाना खा रहा है, कुछ भी खा पी रहा है, और पटरी के बीच में मतलब पूरा का पूरा ये तो ऐसा समझ ही में नहीं आ रहा कि बस्ती के अंदर पटरी है या पटरी में बस्ती बसी है, कहाँ पटरी में बस्ती है, बस्ती में पटरी है, बस्ती में पटरी है, पटरी में बस्ती नहीं है। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको, और ये देखिए अब यहाँ पर एक मंदिर आ गया, पटरी के निकलते ही सामने आ गया मंदिर। इस मंदिर में पता नहीं कितने हजारों लोग रोज जो है माथा टेकने आते हैं, मंदिर के बाहर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमेशा की तरह जैसे जो सामान बिकता है फल फ्रूट पे वो सब भी यहाँ दुकानें लगी हुई हैं। क्या खा रहे हैं? पपीता। पपीता खा रहे हैं, ये बताइए पटरी पे बैठ के पपीता खा रहे हैं, टेबल वेबल मेज वेज कोई व्यवस्था व्यवस्था नहीं है? ना कोई व्यवस्था नहीं है। बताइए दादी
ये आपकी आपका घर है ये? झोपड़ी में रहते हैं, क्या करें का? नहीं दादी, झोपड़ी में तो रहती हैं, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था वहाँ तो, बाहर तो आपके बड़े बड़े जो नेता हैं वो तो कहते हैं कि नहीं भैया सबको घर मिला, रोड मिली, सड़क मिला, सब कुछ मिला, आप तो बिल्कुल पटरी के बगल में। बड़ा दिलचस्प, देखिए ना आप। देखिए फिर से सायरन बज गया, फिर से ट्रेन आएगी, हर 15-15 मिनट में ट्रेन आ रही है यहाँ पर। जरूर बात है सर, क्या करेगा, वही नसीब में है ये। आप जानती हैं प्रधानमंत्री मोदी कौन है? जानते हैं नहीं कौन है? कौन है प्रधानमंत्री मोदी? वही तो मोदी के चिंते नहीं। मोदी जी मोदी है, पद क्या, प्रधानमंत्री है वो? मंत्री है। अच्छा ठीक है, यहाँ का जो सीएम है ममता बनर्जी, उनको जानती है? कौन है बढ़िया, मोदी या ममता? ममता दीदी कौन है? अरे अच्छा ये बता रहे हैं, कौन है? ममता दीदी। अच्छा कौन जीतना चाहिए यहाँ से? माँ ममता दीदी जीतनी चाहिए। 10 साल से यहाँ पर ममता दीदी का राज चल रहा है, यहाँ झोपड़ी में रह रहे हैं। तो ठीक है, वही अच्छा है, झोपड़ी में रहना अच्छा लेकिन है। वो जो काम कर रहा है बहुत। अरे क्या काम कर रहा है भाई, तो पूछ रहा हूँ, आप पटरी के बीच में घर बना के रह रहे हैं, क्या काम कर रहा है बता दिए? खाने दीजिए। खाने दीजिए, चलिए खाने दीजिए। इन्होंने बता दिया कि 10 साल जो है वो हो चुके हैं और फिलहाल वो कह रहे हैं कि सब बढ़िया है, फिलहाल के लिए उन्हें खाने दीजिए, वो खाने में थोड़ा मस्त है। अच्छा ये बताइए, 10 साल से इस तरीके से रह रहे हैं, कोई नेता मंत्री कोई बात करने आता है? नहीं कोई नहीं आता, इसी में खुश है। बाहर देखिए बड़ा तगड़ा माहौल है, बाहर माहौल है, रैलियां कर रहे हैं बड़े बड़े नेता, बोल रहे हैं अपने भाषणों में कि हम तो गरीब के लिए ये कर दिया, हम तो गरीब के लिए वो कर दिया। गरीब का कृपा है, वो भगवान है, वो हम लोग को बहुत दिया। भगवान कभी चाहेगा कि उसके बच्चे इस हालत में रहे? लॉकडाउन में वो खाना दिया। हाँ हम लोग को चाहिए। भगवान कौन है? पहले क्या बोला? मोदी जी बोला। ठीक है, पहले मुंह से मोदी जी निकल गया, फिर बाद में बात चेंज कर रहा है। डर रहा है क्या किसी से? चलिए ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी। अच्छा ममता दीदी, आप यहाँ खाना खाते रह जाएंगे, आप पटरी पे बैठ के खाना खा रहे हैं, 10 साल हो चुका है। ये सही है, ये सही है। हाँ और सड़क घर मिल जाएगा वो नहीं सही? नहीं वो सही नहीं है, वो गलत होगा। अच्छा चलिए, तो सड़क मिल जाएगा वो गलत होगा, वो तो कह रहे हैं सड़क मिल जाएगा गलत हो जाएगा। जो समझिए हम लोग का करेगा अपने। हाँ क्या, अभी यहाँ पर गाड़ी आएगा, आप लोग हट जाइए। गाड़ी आ रहा है, चलिए ठीक है, हमको बता रहा है लड़का कि गाड़ी आने वाला है, हट जाइए। वहाँ से निकल के यहाँ तक आ गए, आगे भी बहुत सारे घर हैं, लेकिन जो चीज़ हमने दिखाने की कोशिश करी, पीछे मंदिर दिखा दूँ, ये मंदिर है यहाँ पर, इस मंदिर में लोग पूजा करने आते हैं। ये माता जी दिखा दीजिए पास से, करीब से देखिए, बिल्कुल पटरी के, बिल्कुल पटरी से 1 मीटर की भी दूरी नहीं होगी वहाँ, ये माता जी बैठी हुई हैं। वो भाई साहब है सामने, भूतनाथ का मंदिर है, मशहूर मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये अब यहाँ से आकर डेवलप्ड इंडिया जो है वो दिखना शुरू, यहाँ से आकर देखिए सायरन बज गया, सायरन बज गया कि ट्रेन आने वाली है। अब आपको इस प्रोग्राम को जिस तरीके से शुरू किया था कि ट्रेन आई थी, और उसी तरीके से ख़त्म करेंगे कि देखिए ट्रेन जा रही है। सामने देखते रहिए आप, सामने पूरी बसावट है, पूरे घर हैं, ऐसा लगेगा कि देखिए यहाँ पर तो लोग रहते हैं। देखिए छोटी बिटिया भी कुछ बता रही है, भाग गई, शर्मा गई। चलिए हाँ, कहाँ एक तो ट्रेन आ रहा है, अभी स्टेशन से ट्रेन छोड़ दिया है, डूब गया। आप लोग हट जाइए, अब ट्रेन आने वाला है। चलिए देखिए छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि ट्रेन आने वाला है, आप लोग हट जाइए। सायरन की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, ये सायरन की आवाज़ें दरअसल इसलिए हैं ताकि जब ट्रेन आए तो यहाँ पर लोगों को पता लग जाए। ये चाचा भी बैठे हुए हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं मंदिर के बाहर। एक सेकंड बेटा, तो ये बताइए पीछे ट्रेन निकलता रहता है, पीछे घर बसे हुए हैं, बस्ती बनी हुई है। हाँ देखिए बक्सा बंद करके चाचा तैयारी में है, बक्सा बंद कर दिए, ट्रेन आती बक्सा बंद कर देते हैं। क्यों? गर्दा उड़ता है ना, गर्दा उड़ता है तो बक्सा बंद कर देते हैं। देखिए इधर से आएगा ट्रेन, किधर से, किधर से आएगा ट्रेन? चलिए ठीक है, आ गया इधर, चलिए ठीक है, ट्रेन इधर से आ रहा है, इधर से दिखा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा दूरी बनाए रखिएगा, इधर से दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम ट्रेन दिखा रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ पर मैं प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। आप ट्रेन देखिए कि किस तरीके से बसावट के बीच से निकलती है और बसावट के किनारे से निकल जाती है। धन्यवाद।